हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आफ्ताब स्टडी क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं त्रिकोणमित का एक क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ पर लिखा हुआ। सिद्ध कीजिए कि वन अपान सेक ए माइनस टेन ए प्लस वन अपान सेक ए प्लस टेन ए इक्वल टू टू सेक ए। हमें ये यहाँ पर सिद्ध करना है, ठीक है। अब देखिएगा, ये क्वेश्चन छोटा है लेकिन इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो उसको कैसे सिद्ध करेंगे। पहले क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं हम लोग। वन अपान सेक ए माइनस टेन है, ये लिखा हुआ है, प्लस वन अपान सेक ए प्लस टेन है, ये लिखा हुआ है, बराबर टू सेक है। ये हमें सिद्ध करना है। क्या करना है? ये हमें सवाल सिद्ध करना है। तो देखिए, सिद्ध करने के लिए दो साइड होती हैं। एक होती है एल एल एच एस लेफ्ट हैंड साइड, एक होती है आर एच एस राइट हैंड साइड। तो देखिए, इधर वाली साइड जो है वो एल एच एस है, ए आर एच एस। तो हमें देखिए, हम अगर एल एच एस को सॉल्व करें तो आर एच एस आ जाना चाहिए। तो समझिएगा, आपका सवाल सिद्ध हो गया। तो हम लोग लिखेंगे एल एच एस लेफ्ट हैंड साइड, लिखा हुआ है कि वन अपान सेक ए माइनस टेन ए प्लस वन अपान सेक ए प्लस टेन ए, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व कर लो। इसका लासा लेंगे, लासा आपका क्या आ जाएगा, सेक ए माइनस टेन ए इंटू सेक ए प्लस टेन ए, और सेक ए प्लस टेन ए की इधर गुणा और सेक ए माइनस टेन ए की इधर एक में गुणा। तो एक में गुणा करेंगे किसकी, सेक ए प्लस टेन ए की, प्लस एक में गुणा करेंगे सेक ए माइनस टेन ए की। क्लियर, इतना गुणा कर लिया। चलिए, जब एक में गुणा करेंगे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो आपका ये हो जाएगा सेक ए प्लस टेन ए प्लस सेक ए माइनस टेन ए अपॉन। अब अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या लिखा हुआ है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इसका क्या फॉर्मूला होता है, ये होता है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तो आपका फॉर्मूला हो गया। तो वैसे यहाँ पे हो जाएगा आपका कि ए स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, यही तो हो जाएगा। अब आगे समझो, देखिए यहाँ पे माइनस का टेन है, यहाँ प्लस का टेन है, तो ये से कैंसिल, बराबर क्या बचा आपका, सेक ए हो जाएगा आपका टू सेक ए, अपान में बचा है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है आपका सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, ये बराबर होता है एक, ये आपका होता है फार्मूला, ठीक है। ये प्रमेय होती है आपकी, ये होता है एक, तो इसका लिख देंगे यहाँ पे एक, तो बराबर आ जाएगा टू सेक ए, टू सेक ए। हमें यही सिद्ध करना था और हमारा सवाल सिद्ध हो चुका है, टू सेक ए हमारा आंसर भी आ चुका है, तो आ गया है आर एच एस। तो इस प्रकार से आपका सवाल सॉल्व हो गया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग वीडियो को फटाफट से एक बार लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट।